हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बगैर क्रीम के आपके कलर को गोरा, फेयर स्किन शाइन करना बताएंगे। किस तरह आप अपनी स्किन को शाइनी एंड ग्लो कर सकते हैं। स्किन ग्लो सबको ही बहुत पसंद होती है, लेकिन सिर्फ आप अपनी क्रीम्स यूज़ करके अपने आप को हसीन और खूबसूरत नहीं बना सकते। आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपनी डाइट पर तवज्जो देनी होगी और नेचुरल चीज़ों पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे टोमेटोज़। टोमेटोज़ एक बहुत ही कारामद चीज़ है, जिसके ना सिर्फ खाने के बल्कि लगाने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप सिर्फ टोमेटो यूज़ करके, बिना क्रीम यूज़ करे, कोई आर्टिफिशियल क्रीम यूज़ करे बिना, आप खूबसूरती हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सही है बात। आप आजमा कर देखें, आपको पक्का पता लग जाएगा इसके बारे में। जी हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक, एनी थिंग्स, कुछ भी आपकी राय है हमें ज़रूर आगाह करें। जी हाँ, टोमेटो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप एक टोमेटो का जूस निकालें, उसको ग्राइंड कर लें, या तो आप उसको रफली चॉप कर लें, उसको चूरा करके आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें और अपनी स्किन पर लगाएं। या आप टोमेटो को बीच में से दो स्लाइस करके उसमें खाने का सोडा लगाएं और उसको अपनी स्किन पे रब करें। उससे आपको आपका मास्क टाइप का बन जाएगा। उसको 10 मिनट बाद धो लें और रोज़ाना एक टोमेटो जूस का एक गिलास ज़रूर पिएं। टोमेटो जूस का एक गिलास और सिर्फ टोमेटो का मास्क, फिर आप देखें 2 से 3 दिन में आपकी स्किन कितनी फेयर होगी। बहुत ही ज़्यादा आपको इसके अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको टोमेटो, सिर्फ टोमेटो यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको ना मार्केट जाना है, ना आपको कोई क्रीम यूज़ करनी है, सिर्फ टोमेटो। टोमेटो आप नमक के साथ भी इसका मास्क यूज़ कर सकते हैं, खाने के सोडे के साथ भी, बेकिंग पाउडर के साथ भी। एक चुटकी बेकिंग पाउडर और हाफ टोमेटो में छिड़क कर उसको अपने फेस पे रबिंग कर लीजिए। फेस पे रफ करें, रफली उसको मास्क स्टाइल में लगा लीजिए। जी हाँ, छिलके समेत उसको हाफ कट करें और उस पर थोड़ा सा नमक या खाने का सोडा छिड़के और उसको आप अपने चेहरे पे मसाज करते रहें। 10 मिनट मसाज करके आप उसके बाद अपने चेहरे को ऐसे ही रहने देगा। थोड़ी जलन होगी, आपको थोड़ा फील होगा, ताकि वो आपका अंदर से क्लिनजिंग हो रही होगी। आप ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट बाद फेस वॉश कर लीजिए अपना। जी हाँ, और एक टोमेटो ग्लैंड करके उसका जूस बना के रोज़ाना पीजिए, फिर आप देखें, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, खून बनेगा, इससे आपके कुदरती चमक आएगी फेस पे। थैंक यू व्यूवर्स, आपने हमारी वीडियो देखी सुनी और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और लाइक, डिसलाइक, कॉमेंट्स, एनी थिंग्स, कुछ भी आपकी राय है, इससे हमें ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।